2409 रुपए आप देख सकते हैं। पूरे आप मार्केट की स्टडी करो उसके बाद आना। बहुत सारे यूट्यूबर है जो आपको हर बंदा वीडियो में बताता है कि ऐसी गलती ना करे, सीधा आर्टिकल ले लिया। हेलो इंडिया, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस। अपने 80 ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में करते हैं आपका स्वागत गाइस। टाइम हो रहा है 7 बज रहा है और तारीख जो है आज है 21 मार्च। तो मैं आज सुबह सुबह निकल गया हूँ काम पे और आज का दिन भर का शेड्यूल जो होगा हम आपको बताएंगे। तो प्लीज इस ब्लॉग में बने रहें और अपना सारा शेड्यूल का आप लोग वीडियो में देखें। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे ये सब चीज चालू होने से पहले कि आप चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देरी ना करते हुए वीडियो कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कल रात को मैं काम पे निकला था। कल काम पे निकला नहीं दिन में, तो शाम को बारिश हो रहा था, मैंने कहा थोड़ा बहुत सर्च लगाया कराता हूँ काम। दरअसल हुआ क्या मेरे साथ कि जब मैं निकला ना तो रोड पे इतना पानी भरा हुआ था कि देख के मेरा दिमाग हो गया खराब, पहिया डूबने लगा। मैंने कहा भैया ऐसा कर, गाड़ी खराब करने से बढ़िया घर पे चल लगा दे, सुबह निकल लेंगे जल्दी। मेरा प्लान था 3 बजे निकलने का, बट नींद नहीं खुली तो मैंने सुबह 6 बजे निकला, 6 बजे उठा और अपना निकल गया अभी। तो चलिए गाइस आज दिन भर का शेड्यूल क्या होगा और बीच बीच में कुछ अलग बात करेंगे जब टाइम मिलेगा तो। और बाकी अपने पास एक ड्यूटी आ चुकी है एयरपोर्ट के लिए, तो मैं चलता हूँ पिकअप लोकेशन पे और जा ही रहा हूँ। तो मिलते हैं पिकअप करने के बाद और ड्रॉपिंग के बाद, पिकअप के बाद नहीं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक लिए। हेलो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूँ टर्मिनल 1। अभी मैं अपने घर के पास से जो राइड लेकर आया था, मैं पहुंच चुका हूँ T1। इस ट्रिप में मेरी गाड़ी चली है और कितना मिला है मैं आपको बता देता हूँ चेक करके। इस ट्रिप में गाड़ी चली है, अबे भाई कहाँ गया, बताता हूँ 30.2 मतलब 31 किलोमीटर लगभग चली है गाड़ी मेरी। और 31 किलोमीटर चला है तो 302 रुपये दिया गया है, 473 रुपये था। हाँ तो यही है। और आज रेट थोड़ा ठीक नहीं दे रहा, 10 रुपये किलोमीटर दिया ही नहीं, पता नहीं क्यों, कभी 11 रुपये देता कभी 10 रुपये देता, तो यही चीज है। और देखते हैं यहाँ से किधर का बजेगा, माइनस में हो गया, इनका कमीशन कट गया 171 रुपये। अबे भाई हमारे खाते से इतना क्यों काटोगे, उबर को बोलना पड़ेगा, नहीं सुनते ये लोग। अभी इनकी पार्किंग की तरफ चले तो देखते हैं, काम का टाइमिंग है और क्या होता है बताते हैं आपको, बने रहे ब्लॉक में। जब तक के लिए मिलते हैं रेफरेंस लोकेशन। तो मैं अभी आ चुका हूँ घर, और घर आ चुका हूँ तो आपको बात करते हैं आज सारी डिटेल्स, दिन भर की क्या शेड्यूल रहा, आज कितना काम किया, क्या अर्निंग किया, क्या रहा सारा कुछ, तो वीडियो में बताएंगे आपका। अभी मेरी लास्ट ड्रॉप देखा जाए तो भाई मैं क्या बताऊँ आपको, द्वारका हुई है, बस द्वारका से खाली आ रहा हूँ। तो कभी कभी होता रहता है, जिंदगी का मौज है, जिंदगी का यही नियम है, कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहेगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये सब चीज तो जिंदगी का एक पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है, कभी तेजी कभी मंदा कभी सर। तो मैं द्वारका गया था, लास्ट ड्रॉप वहीं हुआ, उसके बाद से मैं लगभग 9 बजे छोड़ दिया था, 9 बजे से 1.5 घंटा तक घूमते 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 धीरे धीरे घर पहुंच गया। मतलब इस टाइम को 10:30 हो रहा है और घर पहुंच चुका हूँ, कुछ काम धंधा नहीं हुआ। तो आज का आपको पता है ओवर मेरा ही चल रहा है, ओला बंद पड़ा है, इन ड्राइव में चलाता नहीं, आपको पता ही होगा, इन ड्राइव कभी कभी ले लेता जब कोई ड्यूटी नहीं मिलती है तब, नहीं तो नहीं लेता। अभी तक इतने दिन से सिर्फ 4 राइड या 5 राइड किया और इन ड्राइव में बस। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आज का जो शेड्यूल रहा है ठीक ही ठाक रहा है, मिला जुला के, ना ज्यादा तो कम, ना ज्यादा तेजी ना मंदा, ऐसा ही। बाकी कल नवरात्रि है, नवरात्रि का करते हैं वेट क्या स्टेटस रहेगा नवरात्रि में।
गाड़ी लगभग चल गई 230 किलोमीटर, 200 रुपये काम होना चाहिए। काम क्या हो, मैं 2408 रुपये का, 2408 ही एक बार कंफर्म कर लूँ। हाँ, 2409 रुपये आप देख सकते हैं भाई, देख लो 2409 रुपये काम है, और 2409 रुपये में मैं आपको आज क्लियर बता दूं कि एक्चुअल बचा कितना है आज मेरा 2409। मैं हिसाब लगा के आपको बताता हूं, और जो हिसाब लगाऊंगा वो गलत है सही आप लोग बताना कमेंट करके, ठीक है दोस्तों। तो 2409 रुपये तो ऑपरेटर बिल है, ठीक है। 2409 रुपये में से मैंने 380 रुपये का सुबह सीएनजी दिलवाया था, और 300 का लगभग सीएनजी था इसके अंदर, 680 रुपये हो गए, 680 हो गए, 680, 2409 में से 680 माइनस कर दिए तो अपना हो गया, मैं कहता हूँ सीधा सीधा 700 माइनस कर दो, 700 माइनस कर दो, ठीक है। तो अपने को 1700 रुपये अर्निंग हो गया, 1700 बचा। 1700 रुपये में से मैं 200 रुपये गाड़ी के मेंटेनेंस हटा दिया, 1500 रुपये अर्निंग हुआ। अब आपको मेरी गाड़ी की ईएमआई है 500 रुपये पर डे का, तो 1500 में मैं 500 रुपये हटा दिया गाड़ी की ईएमआई, तो मेरी नेट अर्निंग निकल गया ये 1000 रुपये। मेरे को उसके अलावा किसी को कुछ नहीं देना है, 1000 रुपये मेरे जेब में आया, गाड़ी की ईएमआई निकल गई, गाड़ी के मेंटेनेंस निकल गया, गाड़ी का खर्चे निकल गए। तो आज की जो अर्निंग रही ये रही, और आप लोगों को मैंने बता दिया है, और आपको ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि जो भी अर्निंग किया हूँ मैं आप लोगों को सबको डिटेल्स पर डिटेल्स दे दिया हूँ, और कुछ लोगों की तथ्य समझ में नहीं आती है कि लोग दिक्कत क्या है। अरे यार, जिसको काम करना है करने दो ना, जिसको नहीं करना नहीं करे भाई। एक चीज बताओ ना, जिसको करना चाहिए उसको भी तुम डीमोटिवेट कर रहे हो। हाँ, मैं सबको यही सजेशन करता हूँ कि ओला उबर लाइन में आने से पहले किसी की रेंट पे गाड़ी चलाओ। मैं अपने वीडियो में अब हर बार यही बताऊंगा आप लोगों को, थोड़ा सा ज्यादा नहीं कि एक्स्ट्रा, कि आप लोग ओला उबर में कोई भी लाइन में आना चाहता गाड़ी, तो प्लीज आप पहले किसी दूसरे की गाड़ी चलाए, एक्सपीरियंस ले क्या काम में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया तब जाके मैं आया, नहीं तो नहीं आता। क्योंकि दूसरे के बातों पे वैल्यू नहीं करना चाहिए, पूरे आप मार्केट की स्टडी करो उसके बाद आना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज पूरा पकड़ हो जाएगी, अब जब मार्केट में आएंगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, किसी के भरोसे नहीं रहोगे। आज मैं बताऊँ एक दुखद वाली बात है, बड़ी टेंशन हो रही थी मेरे को सुबह, मैं लगभग उद्योग भवन है ना अपना निर्माण भवन, उद्योग भवन अपना सेंट्रल दिल्ली में वहां पे था, वहां से ना मैं लगभग चनक्यापुरी उसी का सटा हुआ है, तो वहां पे छोटी ड्यूटी छोड़ रहा, वहां पे एक आर्टिकल लेकर बंदा खड़ा था भाई, UP 14 ब्राउन कलर का था, ब्राउन जैसी था बट व्हाइट कलर नहीं था भाई साहब। कहता आज मेरा पहला दिन है और आर्टिकल लेके खड़ा है बंदा, यार प्लीज हाथ जोड़ रहा भाई, ऐसा गलती मत करो आप लोग। मैं अपनी वीडियो में भी बताता हूँ, मैं क्या हर भाई बताता है, महेश भाई है, बिक्की भाई है, अपना ऋषि भाई है, हर बंदा, बहुत सारे यूट्यूबर है जो आपको हर बंदा वीडियो में बताता है कि ऐसी गलती ना करे, सीधा आर्टिकल ले लिया यार उस बंदे ने। वो कहता भैया मुझे बता दो कैसे मोबाइल में चलेगा, बताओ। कह रहा सुबह से एक ड्यूटी किया हूं मैं यार, बड़ा टेंशन हुआ उस टाइम मेरे को, यार बताओ बंदे ने 12-13 लाख रुपए फंसा करके अपने आप को बर्बाद कर दिया है। भाई आपको स्टार्टअप करनी है तो छोटी गाड़ी से करनी है, ना कि बड़ी गाड़ी से। जब आप छोटी कर लेंगे ना तो बड़ी गाड़ी पर करने का मजा कुछ और आएगा। छोटी का अनुभव लो, शेयर करो, काम करो, काम का तरीका समझो, कैसे करना है नहीं करना है, ये सारी चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
कहीं ना कहीं अगर इसी समझ लेंगे तब जाके बड़ी गाड़ी में हाथ डालेंगे, तो मेरे हिसाब से बेस्ट है और बेस्ट रहेगा। जो भाई कहता है ऑल ओवर में काम नहीं है, देखो भाई बिजनेस तो बिजनेस है, आप बता दो किस लाइन में काम है यार, आप ही बता दो ना किस लाइन में काम है। कोई भाई तो मुझे कहता है तुझे बोलने का औकात ही नहीं है, मत समझा मुझे। थैंक गॉड भाई, अगर आपको इस लाइक लगा तो भी वेलकम है आपका, नहीं लगा तो भी वेलकम है आपका। एक भाई का मैसेज आया कि भाई मैंने पिछली वीडियो बनाया था कि ऑटो में काम अच्छा है, भाई मैंने रिव्यू दिया था, मैं रिव्यू दिया था, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, ना कि मैं किसी ऑटो वाले भाई से राय लिया था। मैंने आपको उस वीडियो में भी यही बोला है कि मैं आने वाला वीडियो बनाऊंगा उस पर ऑटो वाले भाई से मिलके बनाऊंगा। और देखो किसी को ना गलत नहीं बनाना चाहिए यार, किसी को गलत नहीं बताना चाहिए, जो सही होगा वही हम बताएंगे भाई मेरे। अगर गलत बनाने बताने से ना कुछ मिलता नहीं है यार, नुकसान है, हम तो फंसे दूसरे को भी फंसाए, हाथ जोड़ते भाई ऐसा काम नहीं करना है, समझे। आप लोग भी मत कीजिए ना ऐसा, एक दूसरे को देख करके लोग परेशान होंगे, क्या फायदा इस चीज का यार। हम व्यू पाने के लिए ऐसा काम नहीं कर रहे मेरे भाई, मेरे को नहीं चाहिए व्यू, ठीक है। आप लोग भी ऐसा नहीं कीजिए, कोई बात नहीं। आपका कमेंट आया बहुत अच्छा लगा, सही को सही आपने बताया, गलत को गलत बताया, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपकी निजी राय है, आप लोग कैसे जीना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, तो कोई बात नहीं। और आगे का जो प्रोसेस है आपको अगली वीडियो में बताएंगे, जब तक के लिए थैंक यू। और थैंक यू कहने से पहले आप लोगों का एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और लोगों के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर दे, ताकि लोगों को जो सही जानकारी है ना वो आप लोगों को मैं दे सकूं यार। भाई जो मेरे को सुनने वाले है उसको हाथ जोड़ के विनती है कि किसी के बहकावे में ना आए, किसी से कुछ ऐसा ना करे, कदम उठा के अपनी जिंदगी का दाव लगा दे, नहीं करना भाई, तरीके से समझो, स्टडी करो मार्केट के, उसके बाद आओ इस लाइन में। चलिए दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो करते हैं, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर।